यही हाल रहेगा तो फिर अभ्यर्थी उमड़ उठेंगे पटना में और फिर आगे आत्मदाह क्या क्या होगा इसका कहना मुश्किल है। अभी जो छठा चरण चल रहा है उसमें 15 से 18 हज़ार यूपी का ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हाई स्कूल का एक भी स्टाफ नहीं है, क्यों नहीं है? आपने भवन तो दे दिया है लेकिन आप शिक्षक कहाँ से दीजिएगा? शिक्षक दीजिएगा तब ना पढ़ाई होगी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी अभी भी गणतंत्र विभाग धरना स्थल पर बैठे हैं। आज दूसरा दिन है अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का। कुछ अभ्यर्थी है उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। दूसरा दिन हो गया धरना प्रदर्शन? जी सर, आज दूसरा दिन धरना प्रदर्शन का, दूसरा दिन गंदरबाद के धरना स्थल पर है। लेकिन हम लोग का ये मांग है कि सातवां चरण का ना विज्ञप्ति अविलंब यानी कि मार्च महीना में ही जारी करें, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चल रहा था 94,000 की बहाली, उसमें से मात्र 42,000 सीट पूरा हुआ है, लेकिन उसमें से जो बाकी सीट बचा हुआ है और 2014 से लेकर के 2022 तक जो रिक्तियाँ जो खाली हुई है उसको जोड़ करके अविलंब मार्च महीने में विज्ञप्ति जारी करे, क्योंकि हम लोग 3 साल से छठा चरण से वंचित होने के बावजूद हम लोग 3 साल से रोड पर घूम रहे भटक रहे हैं। धन्यवाद। कोई सरकार के मंत्री का या फिर जो सत्ता पक्ष के नेता है उनका कोई आश्वासन मिला उन लोगों से या फिर कोई आए क्या मिले? देखिए, शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि अभी आप कल से बैठ रहे हैं, कोई सरकार के मंत्री या फिर कोई नेता नहीं है? नेता सब अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन विचार विमर्श उन लोग में चल रहा है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि कुछ विचार पॉजिटिव भी देंगे। लेकिन देखा जाए तो सत्ता पक्ष के नेता किसी भी स्टूडेंट के प्रदर्शन में नहीं आते, ऐसा क्यों? देखिए, वो सरकार की अपनी मंशा है, हो सकता है उसको लगता है कि वहाँ जाने से कुछ बात विवाद हो सकता है, इसी कारण से वो अपने नहीं अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजते हैं या प्रशासन के माध्यम से उस सूचना को लेते हैं। लेकिन हम लोग का यही मांग है कि अविलंब जारी करें, मार्च महीने में विज्ञप्ति जारी करें ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। विपक्ष के भी नेता कोई आने वाले? जी, विपक्ष के नेता कल जैसे कि माननीय विधायक पालीगंज के माननीय विधायक सौरभ सर आए हुए थे, जो कि विधानसभा में भी उन्होंने आवाज़ उठाए थे, और आज नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे, शायद जन अधिकार के पार्टी के जो ये है पप्पू यादव जी आएंगे और बाकी विधायक भी शाहनवाज जी बोले हैं आएंगे। शाहनवाज जी, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार नाम है मेरा, सुपौल से। सुपौल से आए धरना प्रदर्शन के लिए। बेरोजगार हैं, क्या कहिए? बेरोजगार हैं तो क्या कहें, ये तो बड़ी दुख की बात है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए भी। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो युवा ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी हड़ताल रखने के बावजूद ये नहीं कुछ हो रहा है तो बड़ी दुख की बात है। और ये बेरोजगारी तो बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। यह पढ़ने में भी बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, रेंट भी देना पड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है। तो ठीक है, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये हम लोगों से ज़्यादा सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हमारा नीति है, ऐसा क्यों ऐसा पॉलिसी है, हमारा ये जो बहाली का जो सिस्टम है आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, यदि सरकार सुधारती है तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा। पिछले दिन आपने देखा रेलवे एनटीपीसी वाला, जे रेल जलाया गया गया में, हम लोग वैसा नहीं करना चाहते, हम लोग शिक्षक हैं तो मर्यादा में रहकर करना चाहते हैं, तो सरकार हमारी यह कमजोरी नहीं समझे। मुख्य मांग हमारी यह है कि हम लोग 2019 से ही शिक्षक अहर्ता रख रहे हैं बनने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल से हम लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। 3 साल से दर दर भटक रहे, लेकिन सरकार के कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहे, बस आश्वासन मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन ये मिल रहा है कि उसमें मात्र उसमें बता देना चाहूँगा कि जब छठा चरण का जब अंतिम कट ऑफ डेट था तो उससे मात्र 10-15 दिन के बाद हम लोग का रिजल्ट आया था, लेकिन हम लोगों को नहीं लिया गया कट ऑफ के नाम पे। अब उसमें एक नया चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो छठा चरण चल रहा है उसमें 15 से 18 हज़ार यूपी का ध्यान देने वाली बात है, यूपी बिहार बंगाल का लड़का यहाँ पे आके करा, और कुछ छठे चरण से जो लड़का बच भी गया है तो ये कैसी बहाली है कि ये अपने राज्य का अभ्यर्थी का नहीं हो रहा है और यूपी बंगाल का हो रहा है? देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं साफ साफ दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री बस आश्वासन देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं। कुछ और अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम सरोज कुमार यादव है। बोल रहे थे जी, मैं अररिया जिला से आया हूँ और हमारे बहुत सारे साथी भी है जो आपके पीछे, जितने भी साथी है पूरा बिहार प्रदेश से आए हुए हैं, ये सब हम सभी जो है दिसंबर 2020 और 21 का स्टूडेंट है जो सीटेट पास है। हम लोग दो बार तीन बार सीटेट और बीटेट
क्वालिफाई हो गए हैं, फिर भी माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश के जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार है उनको नींद उनकी नींद नहीं खुल रही है। रोजगार के मामले की बात जब आती है तो वो पीछे हट जाती है। वह कहते हैं सदन में जा के बाद हम लोग जब देखते हैं तो जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आप रोजगार पर क्या करते हैं तो वह कहते हैं कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार कर रहे हैं, हमारा प्रक्रिया चालू है। मैं माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप महोदय आपका ये जारी कब तक रहेगा, ये कब तक होगा, आपकी बहाली क्यों नहीं खत्म होती है? समय पर आपकी जब चुनाव की बात आती है समय पर आपका चुनाव हो जाता है, आपका डिफिनिट टाइम है, पंचवर्षीय योजना है, समय पर आप चुनाव करवा लेते हैं, लेकिन आपने देश के जो आपके बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा है, जो आपसे रोजगार चाहना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के हित के लिए, और यहाँ तक की बात कही है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी आवारा कह के कही है, बच्चे को जो है जहीं तहीं भटक रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, यदि जाते भी है तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, एक स्कूल में कोई नहीं है, एक स्कूल में जहीं जहाँ 200-300 स्टूडेंट है वहाँ एक एक शिक्षक भी नहीं मिल पा रहे हैं, एक शिक्षक के बदौलत स्कूल चल रहे हैं। हमारे जस्ट बगल में हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं मेरा डोरिया में उत्क्रमित हाई स्कूल हो गया है, लेकिन हाई स्कूल का एक भी स्टाफ नहीं है, क्यों नहीं है? आपने भवन तो दे दिया है लेकिन आप शिक्षक कहाँ से दीजिएगा? शिक्षक दीजिएगा तब ना पढ़ाई होगी। आप 2015 से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, मिडिल स्कूल का शिक्षक बना रहे हैं, मिडिल स्कूल का शिक्षक जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और अपना कमाई करते हैं, लेकिन आप शिक्षा के बात कीजिए तो 9th और 10th की कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप उत्क्रमित हाई स्कूल तो बना दिया, भवन बना दिया, 2014-15 का भवन बना हुआ, लेकिन भवन में कोई शिक्षक नहीं है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे घूम रहे हैं, अगर देखा जाए तो आप लोग जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रहते वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं जा रहा आप लोगों को? जी वही तो मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूँ कि आपका ध्यान बेरोजगारों पर क्यों नहीं जा रहा है। ये हम लोग नेपाल बॉर्डर अररिया से आए हुए हैं, 350 किलोमीटर दूर चल गई है, आने की कोई जरूरत नहीं थी हम लोगों को, लेकिन मजबूरन हम लोगों को आना पड़ा, रोड पर उतरना पड़ा। हमारे बहनें हमारी माताएं भी यहाँ की उम्र की हो गई है, जिनका उम्र एक्सपायर हो रहा है, उन लोग भी बैठी हुई है, हमारा भी उम्र एक्सपायर होने वाला है, लेकिन माननीय महोदय अभी तक रोजगार की कोई बात नहीं करती है। इसलिए शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार को बोलते हैं आप जहां भी जा रहे हैं आप जो है विफल हो रहे हैं, आप तो आप समाज सुधार जो है यात्रा तो शुरू किए हैं, लेकिन माननीय महोदय आप बेरोजगार सुधार यात्रा शुरू कीजिए। समाज सुधार नहीं, समाज तभी सुधरेगा जब बेरोजगारी दूर होगा, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होता है तब तक समाज नहीं सुधरेगा। शिक्षित व्यक्ति रह करके समाज में अपना भरण पोषण नहीं कर पाते, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता। आप शिक्षक रहेंगे तब ना स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा कब मिलेगा? जब तक अच्छे शिक्षक होंगे, और हम लोग अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी इतनी अहर्ताएं रखते हैं, DLED, BED, CTET, यहाँ तक STET, सुपर TET सब चीज निकाले, आज DSSB का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है महोदय, सब बेकार हो रहा है, ये रद्दी पेपर बनते जा रहा है। मैं महोदय से विनम्र आवेदन फिर एक बार कहता हूँ, इस चीज में से धरना हम लोग का कल सफल रहा और आज भी हम लोग हैं और कल तक रहेंगे, जब तक आप, हम आग्रह करते हैं महोदय आप जहाँ भी हैं हम आपकी काम तक आवाज पहुँचती है आपके माध्यम से, आपका भी मैं आभारी हूँ कि आप लोग हम लोग को इतना कवरेज दे रहे हैं, आप हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और माननीय महोदय जहाँ भी है वो हमारी आवाज़ सुने और हम लोगों के लिए विज्ञप्ति जारी या लिखित नोटिफिकेशन आए, लेकिन देखिए कल से हम लोग रोड पर है, इतने मीडिया कर्मी आए, इतने भाई बंधु हमारे आए, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री का या नीतीश कुमार का या सचिवालय से ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां तक आकर के आश्वासन के तौर में भी नहीं आ रहे हैं, आश्वासन वहां से दे रहे हैं, लाइव कवरेज करवा रहे हैं, हम आश्वासन प्रक्रिया चालू कर 2019 का बहाली अभी तक 3 साल हो गया, अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। इसलिए सर नीतीश जी बोल रहे हैं कि समाज जिस समाज में गरीबी हो, भुखमरी हो, माना आगे का फ्यूचर कैसा होगा या नहीं होगा उसका कोई ठोस ठिकाना नहीं हो, तो कहाँ से समाज सुधरेगा? और भी कुछ सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अभी
तीन दिवसीय आंदोलन चल रही है, कल से हम लोग पूरे भूखे प्यासे हैं सर। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ना तो अभी तक कोई संज्ञान लिए हैं और ना तो कोई ठोस आश्वासन दिए हैं, जबकि हम लोगों का तीन दिनों से आंदोलन चल रहा है। और हम लोगों को बस यही मांग है सर कि हम लोग का सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब, जैसा कि उन्होंने पहले बताया है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का, मतलब मार्च के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का विज्ञप्ति आएगा, जो कि ना तो अभी तक हम लोग को धरातल पर नजर आ रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कभी बोलते हैं दिसंबर में आएगा, कभी बोलते हैं जनवरी में आएगा, जनवरी आता है तो फरवरी में बोलते हैं शीघ्र जल्दी और तुरंत का सेंस क्या है सर? हम लोग तो जानते हैं शीघ्र जल्दी तुरंत विगत महीनों दो महीने का होता है, मगर माननीय शिक्षा मंत्री जी विगत तीन वर्षों से हम लोगों को समय पे समय दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन कम और बरगलाया ज़्यादा जा रहा है। इसलिए अगर आप मेरी बातों को अगर अपनी आप देख पाते हैं तो हम लोगों पे एक ठोस आश्वासन लेकर हम लोगों को एक सुनिश्चित डेट, सुनिश्चित तारीख और सुनिश्चित महीना करके सुनिश्चित करें कि हम लोग सीटेट अभ्यर्थी 1-8 के लिए हम लोग का विज्ञापन कब जारी होगा। आप अपना नाम? मेरा नाम आनंद भास्कर है, जिला मुंगेर से आए हैं। हाँ, दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, क्या दिन धरना प्रदर्शन है? यदि शिक्षक भर्ती हम लोगों से, मतलब अभ्यर्थी जो आए हैं इनका मांग पूरा नहीं होता है तो शिक्षा व्यवस्था बिहार के हतल में चली जाएगी। इसलिए सरकार से, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से गुहार लगाते हैं कि जितना जल्दी हो हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। सब रखा बांध टूट रहा है, हम लोग लगातार बने हुए हैं कि अब सरकार का फैसला आएगा, अब सरकार का संदेश आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। यही हाल रहेगा तो फिर अभ्यर्थी उमड़ उठेंगे पटना में और फिर आगे आत्मदाह क्या क्या होगा इसका कहना मुश्किल है। अभ्यर्थी हैं साफ साफ कह रहे हैं समाज सुधार यात्रा मुख्यमंत्री छोड़ के बेरोजगार सुधार यात्रा निकाले, बेरोजगारों को रोजगार दे तभी बिहार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। अभ्यर्थी काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम बेरोजगार फिर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रही है। हमें नौकरी चाहिए क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब है। क्या कुछ कहते सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आपने सुना है? और भी तमाम खबरों के लिए बरोडा NBC 24 न्यूज के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।